बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन मटर पुलाव। इसमें डाला जी, अब इसमें जाएगा प्याज, और माशाल्लाह है 15 का माशाल्लाह, अल्लाह ताला सब रोज़े रखे कबूल करे। और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ आलू टांगरी का शोरबा। घी और प्याज, ये देखिए माशाल्लाह प्याज का कलर ब्राउन हो रहा है। और दूसरी तरफ ये सालन है, इसका भी है प्याज अभी ब्राउन है ना। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यार कलर आ गया। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें थोड़ा सा करेंगे इसे खाना सारा। अभी अब इसमें शामिल करेंगे 2 टमाटर, 3 मिर्चें, ये है हल्दी, 2 चम्मच मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, ये है बिरयानी मसाला, और ये 3 चम्मच नमक के। अब मैं सब शामिल कर दूँगी इसमें। अब इसमें शामिल करूंगी मैं चिकन। थोड़ी देर चिकन को शामिल करके भून लूंगी, फिर इसमें जाएंगे टमाटर और आलू, मटर और आलू, ये इस तरह की प्याज अपना कलर चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें शामिल करूंगी मटर और आलू। अब इसको मैं 5 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी ताकि ये गोश्त और मटर अच्छी तरह गल जाए। ये प्याज भी अब हल्का गोल्डन हो गया है। इसमें शामिल किया हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी पानी, एक चम्मच मिर्च, इसी हल्दी, इसमें शामिल करके अब अच्छी तरह हमारा मसाला हो गया तैयार। अब इसमें शामिल करूंगी आलू और टमाटर। अगर आपने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। जब आपको समय ना लगे यार क्या बनाना, तो फिर आप इस तरह का सालन बना लिया करें। और ये अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नियमतें और बरकतें, अल्लाह ताला हमारे खानों में, हमारे रिस्क में बरकत अता करें।
और इस रमज़ान के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हम सब का रहम करे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी पानी, ये दो गिलास हमारे चावलों के थे, तो मैं इसमें तीन गिलास पानी डालूँगी। चावलों को भिगोए हुए आधा घंटा हो गया, एक न्यू चावल है इसलिए इसमें कम ही पानी डलता है। अब इसको आग लगा, ये देखिए अच्छी तरह पानी उन्हें लग गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल, इसको अच्छी तरह सारे चावलों को रात से निकालेंगे ताकि कोई भी चावल ज़ाया ना हो। अच्छी तरह इसको पकने देंगे, ये देखिए। अब इसमें मैं एक गिलास पानी शामिल कर दूँगी, ये हमारा आलू टमाटर का शोरबा रेडी। देखिए माशाल्लाह इसका कलर, देखिए कितना प्यारा है ये, देखिए। अभी इसमें थोड़ा सा पानी अभी है, जब जब खुशक हो जाएगा तो इसको देंगे हम दाम। अब देखें पानी हो गया खुशक, ये देखें सारा पानी खुशक हो गया, अब मैं दूंगी इसे दाम। ये देखें अब मैं इसको दूंगी 10 मिनट के लिए दाम, ये दाम पर रख दिए और ये सालन भी हमारा हो गया तैयार। ये देखें एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें जा गया गरम मसाला पिसा हुआ एक चम्मच, अब जाएगा धनिया। तो फिर मैं कर दूंगी इसकी आँच बंद कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना आज ये सालन। जब कभी आपको भी समझ ना लगे आज कि आप खाना या कुछ खाने को ना दिल करे तो आप आलू टमाटर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं मुकम्मल और मैं इसे दम को हटाती हूँ, चावलों को दम से हटाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें चावल, ये देखें, ये बनाए भी नए हैं चावल, अभी परसों ही हमने ना मुंजी से किया था, इसको छुड़ाए थे चावल। ये देखें माशाल्लाह नए चावल, फिर भी देखें कितने प्यारे बने। ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें बरकतें और रहमतें, ये देखें माशाल्लाह। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये देखें कलर देखें इसका माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नियमतें और बरकतें। आज की हमारी दोनों रेसिपी हो गई तैयार, आप कमेंट्स में बताएं कैसे है लगी आपको ये रेसिपी, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आपकी तरफ से ये हमारी हौसला अफजाई होती है, आप कमेंट्स शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की नई वीडियो बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।